ये मैंने टॉप लिया है, दिस इज फॉर 80 रुपीज ओनली। ओ, मैं वो लग रही हूँ जो चाय पत्ती तोड़ते हैं। हेलो जी, नमस्ते। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग रूही साज में। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे अपने सरोजनी हॉल की। तो हम गए थे सरोजनी अपनी माताश्री के साथ, भरी दोपहरी में बोलेंगे उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि हम गए थे सुबह 10 बजे। एंड लेट मी टेल यू, 10 से 11 इज द बेस्ट टाइम इफ यू वॉन्ट टू बार्गेनिंग, क्योंकि वहां पे तुम जितना खुला बार्गेन करना है कर सकते हो, वो लोग दे देंगे, बिकॉज बोनी का टाइम होता है। ऐसे फायदा भी नहीं उठाना है, लूट नहीं मचा रखनी है, बट हाँ रीजनेबल प्राइस लगा देना है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। तो वहां से हमने ऐसे दो बड़े बड़े बैग भर के सामान लाए हैं, बिकॉज मी बींग मी, मुझे बहुत ज्यादा शॉपिंग करनी थी, क्योंकि मैंने अपनी सारी शॉपिंग के पैसे मदरसे पे उड़ा दिए थे। तो आज का पूरा खर्च उठाया है मेरी माताश्री ने। सबसे पहले मैंने सनग्लासेस लिए थे। अगर मेरे घर की ट्यूबलाइट एक्सपायर, डोंट थिंक कि आई एम द ट्यूबलाइट, जस्ट किडिंग। सो ये सनग्लासेस है, आई गेस ये मम्मी के हैं, पता नहीं, कोई भी यूज कर सकता है। हम बहुत मेल मिलाप के साथ रहते हैं इस मामले में, एक दूसरे का सामान यूज करते रहते हैं। देन ये दूसरा है, हमने थोड़ा, हाँ ये मम्मी का ही, क्योंकि ये मेरे फेस से कुछ ज्यादा ही बड़ा है। मेरी मॉम को बड़े सनग्लासेस बहुत ज्यादा पसंद है। देन लेट मी शो यू माई नेक्स्ट आइटम। तो सबसे पहले घुसते ही हमने एक शॉप मिली, वहां पे वाइट का भंडार लगा था, तो मुझे एक ये वाइट प्लेन शर्ट लेनी थी। ओके, आई बॉट दिस वन प्लेन वाइट शर्ट, बट इट्स नॉट जस्ट प्लेन वाइट शर्ट, इसके यहाँ पे क्या बोलते हैं ऐसे मम्मी, फ्रिल। इसे फ्रिल, ओके। तो यहाँ पे ये फ्रिल है, ओके। तो ये लुक ना बहुत कोरियन टाइप आता है। वैसे मैंने ये लेते समय ध्यान नहीं दिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, झूठ क्यों ही बोलना, बट मुझे अच्छी लगी थी। अच्छी भी इसलिए लगी थी क्योंकि मेरे पास शर्ट नहीं थी, इसलिए मैंने ले लिया, ठीक है। देन इस टॉप को चूज करने से पहले मैंने कई टॉप को रिजेक्ट किया। इट्स जस्ट लाइक योर रिलेशनशिप एडवाइस, ओके, जस्ट रिजेक्ट एवरीवन सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट वन। ओके, सो अभी देखो श्रिंक हो चुका है, बिकॉज सरोजनी में वो लोग फोल्ड करके नहीं रहते, ऐसे घड़ा घड़ा करके दे देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द टॉप, एंड ये बहुत प्रिटी टॉप है, आई एम डैम श्योर कि ये मेरे ब्लू जीन्स जो मैंने अभी तक खरीदा नहीं है, डार्क ब्लू जीन्स के साथ बहुत प्यारा लगेगा, या शॉर्ट्स के साथ जो मेरे पास है, बट अब वो मुझे फिट नहीं होता। सो नाउ लेट मी शो यू द नेक्स्ट आइटम। और इसका प्राइस है, इसका प्राइस हमें आई गेस 150 पर था, तो 300 का मुझे दोनों पड़ गया। ओके, देन दिस इज द सेकेंड आइटम। तो मैंने अपनी एक जीन्स जो है इसी कलर की, वो मैंने बहुत गंदे तरीके से खराब कर दी थी। ऑल्दो आजकल के जनरेशन के कुछ बच्चे बोलेंगे कि इट्स जस्ट अ फैशन, अगर थोड़ी सी फट जाए तो वो चल जाता है, बट फॉर मी नो, अ बिग नो। मुझे ज्यादा फटे हुए नहीं लगते, क्योंकि मुझे एक्चुअल फील आती है कि मैं भिखारी हो चुकी हूँ, मैं बेगर हो चुकी हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं है, बट आई डू हैव अ कपड़ा। तो मुझे पसंद आते हैं ऐसे नीट एंड क्लीन टाइप के, और थोड़े बहुत वो जो भी बोलते हैं ना फटा हुआ, थोड़े बहुत जिसमें पीछे दिखे भी ना कि फटा है, ठीक है, दैट लुक्स गुड ऑन मी। सो ये मैंने ली थी जीन, एंड इट हैज इलास्टिसिटी, मतलब किसी को भी अट सकता है, और ये मेरे लिए बिगेस्ट फियर है, क्योंकि ये फिर मेरी मॉम भी पहन सकती है। ये जीन्स मुझे पड़ी है, भूल गई मैं, बट आई गेस 350 to 300 थी, कुछ तो बार्गेनिंग की थी मैंने, 50 वगैरह 100 रुपए कुछ कम करवाए थे, तो इतना ही का पड़ा था आई गेस। सो ठीक है, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, देन आई डोंट नो, आउट ऑफ नो वेयर, ठीक है, आउट ऑफ नो वेयर मुझे कुछ एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी लग गई, बट किस्मत ऐसी है कि मेरे बाइसेप्स इतने अच्छे है ना, पावरफुल यू नो, मेरे बाइसेप्स इतने अच्छे कि वो जैकेट का मेरे को बाह अट नहीं रहा था। तो फिर मैंने ये जैकेट ली है, एंड इट हैज क्या बोलते हैं इसको, हुडी में, हुडी तो पूरे को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैप, कुछ, ओ मैं वो लग रही हूँ जो चाय पत्ती तोड़ते हैं। मैं कितनी सुंदर लगती अगर मैं पहाड़ों में पैदा होती, आए हाय। सो दिस इज द जैकेट विद द टोपी कैप व्हाटसोएवर, एंड ये क्रॉप जैकेट है। ऑल्दो मुझे ऐसे लेदर में भी चाहिए था, बट मिला नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी में अगर लेदर पहनती तो वो श्रिंक हो जाता, एंड मेरा रॉस गैलर जैसा हालत हो जाता। देन ये लॉन्ग स्लीव जो मुझे अट गई। ओके, तो सिंस आई एम अ बिग 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 फैन ऑफ माया मल्होत्रा, माया जयसिंह, जो भी पार्ट ले लो, आई एम द फैन ऑफ माया,
तो मुझे उसके वॉर्ड्रोब का एक बहुत ही प्यारा सा ब्लेजर मिल गया, ऑल्दो ये मेरे साइज से थोड़ा ज्यादा बड़ा लगा मुझे, बट मैं माया का कोई भी आउटफिट छोड़ नहीं सकती। सो मैंने ये लिया जो मुझे पड़ा 300 रुपए का। ओके नो कमेंट्स, आई नो ये बहुत बड़ा है बट इट लुक्स सो गुड मैन। अब मुझे ये नहीं पता मैं इसको कैसे पेयर अप करने वाली हूँ, बट आई श्योरली विल डू। सी मेरे स्टुपिडिटी को सलाम। मुझे दो टाइप के जीन्स लेने थे, यू नो, अलग अलग कलर के। स्पेशली मुझे डार्क ब्लू जीन्स लेनी थी बट मैं वहाँ दुकान से निकल के दूसरे दुकान तक जाने में भूल गई कि मुझे दो जीन्स लेनी थी। सो मैंने सेम कलर के दो जीन्स ले ली। देन मुझे ये पसंद आया फॉर माई फॉर्मल। दिस इज अ लॉन्ग स्कर्ट, कुछ ज्यादा ही लॉन्ग है, घुटने से एकदम नीचे है, ठीक है। ये मुझे लगा कि आई कैन वियर इट फॉर माई फॉर्मल। मैं इसे इरेज कर दूंगी, मतलब निकाल दूंगी, क्योंकि इसको लगा कि ये फॉर्मल नहीं रहता और मुझे ये ऐसा टैग पसंद भी नहीं है। आई मस्ट से सब कहते हैं मम्मी बहुत अच्छी बार्गेनिंग करती हैं। मेरी मॉम इज नॉट लाइक दिस। मेरी मॉम बार्गेनिंग में मुझे आगे कर देती हैं, बट मेरी मॉम ने इसके लिए बार्गेनिंग की है। मेरी मॉम ने कुछ तो बार्गेनिंग की थी, 1100 का पड़ रहा था, मेरी माँ लाते लाते उसको 750 तक ले आई थी। मैंने और भी चीज ली एक ही दुकान से, बट 750 तक ले आई। कैन यू इमेजिन बॉस, मॉम पावर। वो लॉन्ग स्कर्ट और ये पैंट, लोअर जो भी बोलो, फॉर्मल में चल जाएगा, हु नोटिस मैन। इनको मिला के हमने 750 में लिया है एंड ये बहुत ही ज्यादा वो है, सॉफ्ट कोजी कोजी वाइब देने वाला। एंड इसमें ये है ताकि आपको कमर टाइट करनी है तो कर दो, ताकि कोई भी वेस्ट गैप ना हो। सो आई लाइक दिस। इसमें साइड में जिप भी है, यू नो, जिप भी है कि कोई ज्यादा पियर शेप बॉडी है जैसे कि मैं हूं बट ज्यादा नहीं हूं, तो उसके लिए हेल्पफुल होगा। ओके तो देखो मैं गई थी बेसिकली अपने दिमाग में ये डाल के कि मुझे एक एक नहीं दो ब्लू डेनिम जीन्स लेनी है क्योंकि मेरे जीन्स खराब हो चुके हैं। ऑल दो मुझे ये समझ में आ गया यू शुड नेवर बाय जीन्स फ्रॉम सरोजनी, इतने अच्छे नहीं होते हैं। ओके तो मैं अपने दिमाग में लेके गई थी कि मुझे वहां पे सिर्फ फॉर्मल्स लेने हैं क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मल्स, एक्चुअली मेरे पास बहुत अच्छी वैरायटीज के फॉर्मल्स हैं, बट क्योंकि मैंने वेट पुट ऑन कर लिया तो मेरे फॉर्मल्स अब वो किसी काम के नहीं है। तो मुझे फॉर्मल्स लेने थे एंड मुझे डेनिम जीन्स लेनी थी। जीन्स मैंने ले ली, हालांकि मैं बेवकूफ हूँ, मैंने दोनों सेम ही कलर के ले ली कि पर पहनना है, फिर जाएंगे शॉपिंग पे, बहाना मिल गया हमें। देन ये है फॉर्मल पैंट मेरा। इट्स नॉट जस्ट ओनली ग्रे, इसमें ग्रे में थोड़ी स्ट्रिप्स वगैरह है। एंड धोखाधड़ी का मामला करूंगी मैं, यहाँ पे पीछे कोई जेब नहीं है, सिर्फ इन्होंने दे दिया कि जेब है, पॉकेट्स एंड आगे पॉकेट्स है, बट बहुत छोटी सी पॉकेट है, मतलब क्या ही जाएगा इसमें, बट ठीक है छोड़ो। तो एक ये मैंने लिया है एंड एक मैंने ये लिया है। दिस इज द फेवरेट कलर ऑफ माई डैड। मतलब अगर भीड़ में भी उन्हें ये कलर दिख जाए, भले वो कपड़ा फटा हो कैसा भी हो, डजेंट मैटर, अगर ये कलर है वो यही पिक करेंगे, इनका इतना ज्यादा फेवरेट कलर है, बट अपने लिए कभी नहीं लेते हैं। डैड जेम, ठीक है। तो ये मैंने लिया था एंड इसमें भी इलास्टिक है सो दैट कमर का कोई इशू नहीं हो, बट मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज्यादा लंबा है, मुझे इसको वो कराना पड़ेगा, टेलर करवाना पड़ेगा, बट ठीक है यार अच्छा माल मिल रहा है ले लो। तो ये दोनों पैंट मुझे मिली है 300 150 पर। नाइस डील ना, आई नो, थैंक यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। देन उस जीन्स के बाद, सॉरी पैंट के बाद, मैंने फिर गलती कर दी, मैंने सेम कलर थोड़ा बहुत शेड के डिफरेंट के साथ ये ले लिया। दिस इज नॉट ब्लैक, इफ इट लुक्स ब्लैक डोंट ब्लेम मी। ये बॉटल ग्रीन कलर है और ये बहुत प्यारा वेस्ट है, ऑल दिस में इलास्टिक नहीं है बट ये बहुत प्यारा है, बहुत बहुत ज्यादा प्यारा है। और ये मैं भूल गई मुझे कितने का पड़ा था, आप 250 लेके चल लो। तो ये देखो कोई नहीं बोलेगा कि ये आपके सेंटर टेबल का कपड़ा है, ओके, बिकॉज दिस इज नॉट। और ये मेरी माँ जब एकदम थक के चूर हो चुकी थी, सिर्फ 1 घंटे में, 1 घंटे में सरोजनी से मैंने इतनी शॉपिंग करके आई हूँ क्योंकि मेरी माँ थक गई थी। मैं तो थक गई भाई साहब। ये मैंने टॉप लिया है, दिस इज फॉर 80 रुपीज ओनली। कैन यू इमेजिन 80 रुपीज में कुछ आता है। हाँ,
मेरे रिश्तेदार का भी मुझे 100 रुपए देना, सरोजनी जाके ये लेकर आऊ, सरोजनी जाने में पैसे खर्च हो जाएंगे। तो ये एक टॉप है, ठीक है, इट्स नॉट अ टॉप, इट्स लाइक क्या बोल सकते हो, कवर टेबल का नहीं बॉडी का। तो ये ऐसा है, बाह ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। मैं सब कपड़े खरीदती हूँ ये सोच के नहीं खरीदती हूँ कि मैं उसको स्टाइल कैसे करने वाली हूँ, वो मैं कर लूंगी बाद में, दैट आई एम डैम श्योर, अभी ले लो पसंद आ। तो ये 80 रुपीज का, जिसमें साइड से कुछ नहीं है, मतलब तो कोई वो नहीं है, ऐसी है बस, जो है सो है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। बट यार ये अच्छा नहीं लग रहा, कमेंट भी ना हो, ये अच्छा लग रहा है कि नहीं, 80 रुपए गए पानी में। ओके नाउ द शो स्टॉपर मेन आइटम, जो मैंने एकदम सरोजनी से निकलने से ठीक पहले मेरी नजर पड़ी और मैंने ले लिया। ऑल्दो मुझे इस कलर का एक शर्ट लेना है, वो शर्ट जो साइड से थोड़ा सा वो होता है, यू शेप में होता है, मुझे वो लेना है, बट वो मुझे मिला नहीं, मिला था बट तब मैं किसी और के लिए शॉपिंग कर रही थी, वहाँ मेरी मॉम बैठी है उनके लिए, तो मैंने, मेरे पास बजट नहीं था वो खरीदने का, तो मैंने छोड़ दिया, बट कोई बात नहीं। देन आई बॉट दिस, ये बहुत लंबी स्कर्ट है, आने दो आने दो आने दो आने दो, रैपेंजल जितनी, ठीक है, इट्स वेरी लॉन्ग, दिस इज द फ्रंट, ओके, एंड दिस इज द बैक, इट हैज बो। तो ये बहुत अच्छी है, ये मैं जल्द पहन के आपको दिखाऊंगी, दिस इज वेरी गुड, एंड यू नो व्हाट, इसके साथ मेरा वो जैकेट भी काम करेगा। कितना गंदा फेस बनाया था मैंने, ठीक है। ओके तो ये मेरा शो स्टॉपर था। देन देखो, मेरी मम से बर्दाश्त नहीं हुआ, उनका शो स्टॉपर कैसे रह जाए, व्हाई इट्स ऑल अबाउट मी, उनके बारे में भी होना चाहिए। तो मेरी मम्मी का शो स्टॉपर ये झोला, आराम बढ़िया झोला है, भैया बढ़िया बढ़िया, ये झोला वो 350 का दे रहा था, मेरी मम्मी 150 रुपया में, 150 रुपया में लाई है, 150 रुपया देगा। मेरी मॉम की पावर को, मेरी क्या, पूरे दुनिया की मॉम की बार्गेनिंग पावर को कोई समझ नहीं सकता। 150 फॉर दिस झोला, ये मेरी मॉम का शो स्टॉपर है। सो हमारी शॉपिंग यही खत्म होती है, नेक्स्ट बार गली में, गली का, सॉरी शॉपिंग खत्म नहीं होती है, वेट, सॉरी गाइस, मेरी मॉम की यादाशक्ति अच्छी है कुछ कुछ मामलों में, तो मैं भूल गई थी कि मैंने कुछ क्या बोलते हैं सर, पेंडेंट गले का कुछ तो बोलते हैं, ये भी लिया था। सो दिस इज, अभी मुझे समझ में आया लोग ऐसे क्यों करते थे मेकअप प्रोडक्ट्स के पीछे, सो दैट आप इसे अच्छे से फोकस कर सको, अगर कैमरा फोकस ना करे, क्योंकि मेरी जैसी लड़की पे कैमरा फोकस करेगा ना, इस पर क्यों करेगा, कोई तारीफ ना करे तो खुद कर लेनी चाहिए। सो ये मैंने लिया है, अभी मैं अगेन मैं इसको किधर स्टाइल करने वाली हूँ, आई हैव नो फ्रिकिंग आइडिया, बट मैं इसे करूंगी। देन ये मैंने कुछ माल खरीदे, ये बहुत सारे माल हैं, तो लेट मी शो यू वन बाय वन, दिस इज फॉर माय स्वीटी, ओके, मेरी एक फ्रेंड है आयुषी जी, उन्हें यूनिकॉर्न के लिए वो बावरी हैं, उन्हें लगता है उन्हें यूनिकॉर्न पसंद है, सबको यूनिकॉर्न पसंद होना चाहिए, तो ये उसके लिए है, आई बॉट इट फॉर हर, ठीक है, ताकि वो यूनिकॉर्न पहने मजे से। दिस इज, ये कौन सा पत्ता होता है, मुझे तो इसको देख के कैनेडा याद आता है, क्या अभी सही नहीं चल रहे वहाँ हालात। सो ये लेवेंडर कलर है, ये भी उसे बहुत पसंद आ गया है लेवेंडर कलर, और वो मैडम पागल हो रही है इस कलर के पीछे, बट ये मुझे भी अच्छा लग गया है, आई डोंट नो मैं शेयर करूंगी कि नहीं, ये बहुत ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा प्यारा है, ये मैं कतई शेयर ना करूं किसी के साथ भी, दिस इज पर्ल, ओके, बहुत प्यारा है ना, डीप मीनिंगफुल, अगर किसी को मीनिंग पता है देन कमेंट डाउन, आई नो इट, बट अलग अलग पर्सपेक्टिव भी हो सकते हैं ना। देन एक मैंने माय डिफरेंट सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर मुस्कान, उसके लिए ये लिया है, अरे यार दादा क्या कर रहे हो यार, ये लिया है, ऑल दो मुझसे कब मिलूंगा आई हैव नो आइडिया, बट मैंने ये लिया है, ये प्यारी सी बटरफ्लाई, ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू कैच विथ हर,
तो ये बटरफ्लाई उसके लिए। देन देखो ये दो मैंने अपनी बाकी दोनों बहनों के लिए लिया था, बट देन आई चेंज माई माइंड एंड आई एम लाइक मैं दोबारा खरीदूंगी क्योंकि मुझे ये पसंद आ गया, तो आई डोंट वॉन्ट टू गिव। मैं बहुत कमीनी हूँ यार। ओके ठीक है, हम दूसरा खरीद देंगे यार, ऐसा नहीं होता है। फिर से कभी जाएंगे सरोजनी, खरीद के ले आएंगे उनके लिए भी। सो दिस इज द ब्लैक बटरफ्लाई। ये मैं मुस्सू को नहीं दूंगी बिकॉज मुस्सू इज ना वेरी अ पर्सन हु ब्रिंग्स कलर्स इन माई लाइफ, तो मुस्सू ये ब्लैक बटरफ्लाई डिजर्व नहीं करती है। मुस्सू कलरफुल बटरफ्लाई डिजर्व करती है। देन दिस इज द लास्ट वन। अरे दादा क्या कर रहे हो भाई। सो ये पांडा है एंड मेरी जिंदगी पांडा जैसी हो गई है। खाओ पियो, वो खाना पीना सोना करता है, बीच में बस मैंने काम जोड़ दिया, अपने ऑफिस जाके काम करो, वरना मैं पहले पांडा ही थी। और जिस हिसाब से फूलती जा रही हूँ पांडा हो ही गई हूँ। और रात में जाग जाग के काम करने की वजह से ब्लैक सर्कल्स, सॉरी डार्क सर्कल्स। मम्मी क्या कर रहे हो, मम्मी बता नहीं पा रहे हो आप। कोई बात नहीं, गलती करो तो किसी और पे थोप दो। मैंने ही मम्मी से सीखा है। सो दिस इज द पांडा। प्यारा पांडा है, मेरी मम्मी ने चूज किया है। वहां पे चार पांडे थे, हमने ये चूज किया। सो आई गेस कि मेरी आज की शॉपिंग खत्म हो चुकी है। हम नेक्स्ट संडे फिर जाएंगे शॉपिंग करने, क्योंकि जो काम मैंने कर दिया है आज गलत, ये दो सेम टाइप के फॉर्मल्स खरीद लिए और दो सेम टाइम के जीन्स खरीद लिए, तो हम थोड़ा जो छोड़ आए हैं उसको लेने जाएंगे। सो कैसा लगा आपको मेरी शॉपिंग एक्सपीरियंस और मेरी बार्गेनिंग की पावर, सॉरी पावर, तो मुझे कमेंट करके बताना। ओके बाय, टाटा, टेक केयर। और आप जब भी देख रहे होगे तो उस हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, शुभ खैर, शुभ रात्रि, बाय।